हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं व्यवहार। ठीक है, आजकल जो व्यवहार देखने को मिलता है इन मनुष्यों का, वो बहुत ही अलग व्यवहार दिखता है। ठीक है, क्या होता है ना, बहुत इंसान को जब पैसे हो जाते हैं तो उनके अंदर ईगो आ जाता है। ठीक है, और वो ईगो को उनका ना व्यवहार बताता है, उनके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, खाने का मतलब जितना भी उनका रहन सहन है, रहने सहने का आदत जो है वो बताता है कि उनका व्यवहार कैसा है। ठीक है, अगर कोई इंसान चलता है तो उसके चलने से पता चलता है कि वो इंसान का जो पोज है वो कैसा है। ठीक है, अगर कोई इंसान चल रहा है, देखिए एक बात बता दें कि चेहरे से 50%, अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके चेहरे से ना 50% इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि आपका चेहरा आपका इंटरव्यू का आधा वो बता देता है कि ये इंसान आखिर है कैसा, उसका बिहेव, इसका चेहरा, चेहरा से ही पता चल जाता है कि ये इंसान का व्यवहार कैसा है, ये कैसा रहने वाला है, क्या करने वाला है, नहीं करने वाला। ठीक है, चेहरे से 50% आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जो चेहरा का रिएक्शन होता है वो आपके व्यवहार, रहन सहन, रहने सहने की आदत से बनता है। ठीक है, कैसे कल्चर में आप रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे, कैसे बात करें, ये सबसे पता चलता है कि आपका कल्चर क्या है, आपका व्यवहार, जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह का व्यवहार क्या है, ये सब। तो देखिए, जैसे कि व्यवहार की अगर बात करें तो आजकल कहा जाता है, सबके मुंह से, सबके जुबान से सुनने को मिलता है कि जैसा देश वैसा भेष। इसका कहने का मतलब जहाँ पे आपके साथ जैसे किया जा रहा है वैसे आप कीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप कमज़ोर वर्ग से हैं, ठीक है, आप कमज़ोर हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, उतना ज़्यादा पावर आपके पास नहीं है, तो आपका जो बिहेव होना चाहिए ना वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल भी दे रहा है तो उस चीज़ को सुनकर रह जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय उस बात को सुना, आपके आपको जो वो बात बोला है, अगर उस बात को, अगर उसके अगेंस्ट में अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए हो जाता है। ठीक है, आप उस बात को सुन ले, थोड़ी देर के लिए सुन ले उस बात को। ठीक है, उस बात का जवाब बाद में दें, जब आप उस लायक बन जाए। ठीक है, अगर किसी का दो गाली अगर हम सुन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। ठीक है, अक्सर आपको देखने को मिलता होगा बहुत आदमी होते हैं जो लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो ये उनके अंदर पावर नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, उनके अंदर भी पावर है, बट वो लड़ना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो आदमी है वो मेरे बारे में गलत सोच लेगा, अच्छा नहीं समझेगा, वो शर्माता है उस इंसान से लड़ने में या फिर झगड़ा करने में। ठीक है, इसी पे एक कहानी बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एक रास्ते से एक आदमी जाता है, ठीक है, दो आदमी गाली देता रहता है, तो जो इंसान रास्ते से जाता है तो उसको पता होता है कि वो इंसान हमें गाली दे रहा है, लेकिन वो इंसान उसे कुछ नहीं बोलता है, वो चला जाता है। फिर बाद में उस इंसान का दोस्त बोलता है कि देखो तुमको गाली दे रहा था, तुम क्यों नहीं कुछ बोला? तो वो इंसान बोला कि उस भरे हुए सभा में अगर हम उस इंसान को अगर कुछ बोल देते तो पूरा सभा में क्या होता कि वो उस इंसान को गाली दे रहा था, मेरा नाम कैसा हो जाता, मेरा रेपुटेशन तो ख़राब हो जाता कि इस इंसान को गाली दे रहा, मतलब ये इंसान का जो कैरेक्टर वो ख़राब है या फिर ये उस लायक है नहीं कि इसको लोग सम्मान दें। ठीक है, वो दो गाली सुनकर वहाँ से चला गया, तो लोग तो नहीं जाने कि हाँ ये इसको ही गाली दे रहा था, लोग तो समझ रहे पागल है, उसे ही पागल समझ लिए। ठीक है, इसलिए अगर कोई आपको गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो आप लड़े मत, उसके साथ गलत व्यवहार ना करें, उसे बस एक स्माइल, छोटा सा स्माइल देकर वहाँ से चल दे। एक इंग्लिश में एक छोटा सा लाइन है, इग्नोर एवरी वन विथ स्माइल, हर किसी को ना एक छोटे से स्माइल से, मतलब एक छोटे से मुस्कुराहट से उसे इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं, गाली ही दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गाली देने दीजिए, बाद में बताएंगे ना, बस चुप रहिए, वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त सबका आता है। ठीक है, अगर कोई आपके आपको आज सता रहा है तो कल उसे भी कोई सताएगा। ठीक है, इसलिए व्यवहार अच्छा रखें, किसी से भी मुस्कुरा कर बात करें, किसी को अपना दुश्मन ना समझे, कोई गाली भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, गाली दे दो, बाद में बताइएगा, लगे हाथ जवाब मत दीजिएगा, लगे हाथ जवाब देने से आपका रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए कुछ देर का धैर्य रखें, उसके सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपका आपके मन के अनुकूल सब चीज़ होगा। ठीक है, इसलिए व्यवहार बहुत ही अच्छा रखें, क्योंकि व्यवहार ही सबसे बड़ा संपत्ति इंसान की आज की दुनिया में। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।